आज हम बनाने जा रहे छेने के रसगुल्ले। इसके लिए हमें चाहिए छेना, वो हमने आपको पहले बताया है रसमलाई में कि छेना कैसे बनाते, सेम उसी तरह से आप दूध फाड़ के इसको बना लें। एक कटोरी चीनी और एक चम्मच मैदा लेंगे हम और पानी। अब हम इस छेने को 10 मिनट तक हाथ से मस लेंगे अच्छी तरह स्मूथ होने तक। इसको अच्छे से हथेली से इस तरह से मसलना है, 10 मिनट कम से कम लगेंगे इसको। ये छेने को मसलते हुए 6-7 मिनट हो चुके हैं, ये बहुत ही स्मूथ हो गया। अब इसमें हम एक चम्मच मैदा डालेंगे, मैदा सिर्फ एक चम्मच ही डालें, ज़्यादा ना डालें। अब इसको हम 2-3 मिनट तक फिर से मस लेंगे। ये हमारा छेने का डो तैयार है। ये लगभग हमने 1.5 किलो दूध का छेना बनाया। छेना बनाने के लिए आप रसमलाई में हमारी वीडियो देख सकते हो, सेम उसी तरह से बनाया है। अब इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे। गोला हमारा बिल्कुल फटना नहीं चाहिए, इससे पता चल जाता कि हमारा डो हो चुका है कि नहीं। आप देख लें, ये बिल्कुल नहीं फटा तो हो चुका है, अगर फटे तो इसको थोड़ी देर और मसल लें। इस तरह से आप इसके रसगुल्ले बना लें। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम 2 कप डालेंगे। ये पानी को उबलने देंगे और इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो पानी को जब उबाल आएगा तब हम इसमें रसगुल्ले डालेंगे। ये हमारा पानी उबल चुका है, इसमें चीनी भी बिल्कुल पिघल गई है। अब इसमें हम ये जो छेने के रसगुल्ले हमने बनाए इसको छोड़ देंगे, एक साथ ही इसमें डालें और गैस को तेज ही रहने दें। 10 मिनट तक इसको पकाएंगे हम। आप चाहो तो इसमें चीनी अपनी मर्जी से ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसको 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे तेज आंच पर। ये हमारे रसगुल्ले उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसको थोड़ी देर बीच बीच में ऐसे पलटते जाएं ताकि दोनों तरफ अच्छे से इसमें चाशनी घुस जाए। एकदम बड़े बड़े हो गए, बाजार जैसा टेक्सचर आया है और ये खाने में भी वैसे ही लगेंगे, बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद है इनमें। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे छेने के रसगुल्ले खाने के लिए तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।